बुलबुल डांसर पवन सिंह के साथ वोट मांगने के लिए पहुंची हुई हैं और अपना डांस वगैरह दिखा के काफी लोगों का दिल जीत रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि अब की बार पवन सिंह ही जीतेंगे, सांसदी का चुनाव पवन सिंह को ही जिता के लाओ। बुलबुल डांसर का वादा है दोस्तों। काफी ज्यादा भीड़ लगी जब बुलबुल डांसर पवन सिंह के चुनाव प्रसार करने के लिए पहुंची हुई है। लाखों लोग पवन सिंह जिंदाबाद बुलबुल डांसर का डांस देखने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं और बुलबुल डांसर ऐसे ठुमके लगा रही है जिससे लोग काफी ज्यादा बोल रहे हैं कि बुलबुल डांसर जिंदाबाद। अब की बार पवन भैया ही जीतेंगे और बुलबुल डांसर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट लोगों से कर रहे हैं कि पवन भैया को अब की बार सांसदी का चुनाव जरूर से जितवाइएगा और बिहार ही काफी ज्यादा खुशहाल हो जाएगा पवन सिंह अगर जीतना है। और दोस्तों आपको बता दें, पवन सिंह ने भी वादा किया है बुलबुल डांसर से, अगर मैं जीत गया सांसदी का चुनाव तो अब की बार बुलबुल डांसर का घर वगैरह जितना भी परिवार में और फिल्मों में भी काम बुलबुल डांसर को मिलेगा, घर भी बुलबुल डांसर को अच्छा खासा बनवा के पवन सिंह देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, घर की कीमत लाखों करोड़ों में होने वाली है जो कि पवन सिंह बुलबुल डांसर को जीत की खुशी में गिफ्ट करने वाले हैं। बुलबुल डांसर भी काफी जोरों शोरों से लगी हुई है पवन सिंह का समर्थक में, पवन सिंह को जितवा के ही मानने वाली है। बुलबुल डांसर का कहना है, आपको बता होगा कि 12 साल की बच्ची इतना ज्यादा संघर्ष कर रही है, तो दोस्तों पवन सिंह को अब की बार सांसदी का चुनाव जरूर से जितवाइएगा। अगर आप लोग पवन सिंह के फैन है तो पवन सिंह को ही वोट दीजिएगा। और वैसे दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि बुलबुल डांसर को भोजपुरी फिल्मों में काम करना चाहिए या नहीं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। बाकी अगर आप चैनल पर नए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी नई नई और खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो ताकि जब भी हमारे चैनल का कोई नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए। बाकी मिलता है एक नए वीडियो में काफी जल्द। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।